तो चलिए शुरुआत करते हैं अब विल इटर्नल सीजन 2 एपिसोड 10 की। श्यू में अपने गार्जियन के साथ ब्लड टोकन की हेल्प से अगले राउंड में पहुंच जाती है। सोंचे काफ़ी गुस्से में होता है, वो ये जांग यानी कि शाओजन को मारने जा रहा होता है, लेकिन वो उसी बीच स्टोन का बन जाता है। फिर सोंग जुवान अपने चारों ओर देख रही होती है कि वहाँ पर कई सारे सोंग फैमिली के डिसेबल होते हैं जो कि स्टैचू में बदल गए होते हैं। तभी शाओजन वहाँ पर पहुँच जाता है। सोंग जुवान कह रही होती है कि ये सब मेरी गलती है, शू में अपने गार्जियन के साथ थर्ड लेवल पर पहुंच चुकी है, अगर मैं वहां पर जाऊंगी तो फिर वो मुझे आसानी से रोक लेंगे। मैंने तुम सबकी सारी मेहनत वेस्ट कर दी है, अब मैं एंसेस्टर को फेस भी नहीं कर सकती हूँ। मैं भी तुम्हें यहाँ पर अपना गार्जियन बनाकर लाई थी, इस वजह से मैं तुम्हारे साथ यहीं पर रहूँगी जब तक कि ये वर्ल्ड फिनिश नहीं हो जाता। शाओबोचन गुस्से में सोंग जुवान के पास जाता है, उसका हाथ पकड़कर बोल रहा होता है कि तुम गिव अप नहीं कर सकती हो, दोनों फैमिली के डिसिपल मुझे मारना चाहते थे लेकिन मैं किसी तरीके से बच पाया हूँ, अगर तुमने अभी गिव अप कर दिया तो फिर मैं तुम्हें कभी भी माफ़ नहीं करूंगा। फिर वो उसे धक्का देकर वहाँ से जाने के लिए कहता है। ब्लड टोकन की वजह से डोर ओपन हो जाता है, लेकिन सोंग जुवान ने शाओजन का हाथ पकड़ रखा होता है। डोर की जो फोर्स होती है वो सोंग जुवान को अपनी ओर खींच रही होती है, लेकिन सोंग जुवान ने शाओजन का हाथ बहुत ही टाइट पकड़ रखा होता है। अब धीरे धीरे शाओजन भी स्टोन का बन रहा होता है, तो फिर वो आखिर में मुस्कराकर सोंग जुवान से कहता है कि तुम्हें जाना चाहिए। ये कहने के बाद ही वो पूरा स्टैचू में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और सोंग जुवान का हाथ छूट जाता है। फिर वो अपने आप ही थर्ड लेवल में पहुंच जाती है। वहां पहुंचते ही सोंग जुवान शूमे पर अटैक करना स्टार्ट कर देती है। शूमे कह रही होती है कि मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम यहाँ पर आओगी, लेकिन मेरे पास तुम्हारे लिए टाइम नहीं है। फिर वो वहाँ पर शाओचिंग को बुला लेती है। शाओचिंग के साथ में युनशांग और होंगवू भी आ जाते हैं, तो फिर उन तीनों को इकट्ठा होने के बाद शूमे वहाँ से चली जाती है। वो तीनों एक एक करके सोंग जुवान से फाइट करना स्टार्ट कर देते हैं। जब वो पावर को मैच नहीं कर पा रहे होते तो फिर वो स्ट्रेटेजी बनाते हैं। उस स्ट्रेटेजी में सबसे पहले होंग वो वहाँ पर एक स्मोक का ब्लास्ट करता है, उस स्मोक की वजह से सोंग जुवान देख नहीं पा रही होती। इसके बाद युनशान सोंग जुवान को ब्लड थ्रेड से टाई कर देता है। फिर आखिर में शाओचिंग सोंग जुवान पर अटैक कर देता है, लेकिन उसी टाइम पर वहाँ पर शाओचिंग पहुँच जाता है और उसके अटैक को रोक लेता है। सोंग जुवान पूछ रही होती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तो वो शाओजन बोल रहा होता है कि मेरे पास टाइम नहीं है एक्सप्लेन करने का, लेकिन मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा और तुम्हें एक ही बात याद रखनी है कि तुम्हें आगे की ओर बढ़ना है। सोंग जुवान घूर कर शाओजन की ओर देख रही होती है। फिर शाओजन पीछे मुड़ता है और उसकी ओर मुस्कुराकर कहता है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। सोंग जुवान भी मुस्कुराने लग जाती है और वो वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद युनशान, होंगवू और शाओचिंग तीनों मिलकर शाओजन पर अटैक कर रहे होते हैं। शाओबोचन अपना डेविल निकालता है, उसके एक ही पंच से वो तीनों दूर जाकर गिर जाते हैं, लेकिन शाओचिंग हार नहीं मानता और वो दोबारा शाओजन के पास जाता है, उससे फाइट करना स्टार्ट कर देता है। फाइट के दौरान शाओचिंग कह रहा होता है कि तुमने बहुत सारे की अब्जॉर्ब किए, इसी वजह से तुम्हारी पावर बढ़ गई है, लेकिन तुम्हें हमारी मेजेस्टी यानी कि शूमे के लिए मरना होगा। ये कहने के बाद वो शाओजन पर स्वॉर्ड से हमला करता है और वो स्वॉर्ड शाओजन के शोल्डर के आर पार हो जाती है। इसी टाइम पर शाओजन शाओजिंग का दूसरा वाला हाथ पकड़ता है और उसे ब्रेक कर देता है। फिर वहाँ पर ऑरा का ब्लास्ट होता है और वो दोनों दूर जाकर खड़े हो जाते हैं। एक तरफ शाओजन का शोल्डर काफ़ी बुरी तरीके से इंजर्ड होता है और दूसरी तरफ शाओजिंग का एक हाथ टूट गया होता है। तभी होंगवू शाओजन को ब्लड थ्रेड से टाई कर लेता है। फिर युनशान वहाँ पर आता है और वो अपने टोर्नेडो की वजह से उसे उसके अंदर कैप्चर कर लेता है। शाओबोचन वहाँ का और अब्जॉर्ब करना स्टार्ट कर देता है और इसी वजह से वो टोर्नेडो को ब्रेक कर देता है। टोर्नेडो ब्रेक करने के बाद शाओबोचन होंगवू के पास जाता है और होंगवू को हिलने का टाइम भी नहीं मिलता है। शाओबोचन होंगवू की गर्दन पकड़ लेता है, उसकी गर्दन को वहीं पर तोड़ देता है। इसके बाद शाओबोचन युनशान के पास जाता है, उससे फाइट करने के लिए अपने ट्राइपॉड का इस्तेमाल करता है। ट्राइपॉड को देखते ही शाओचिंग को पता चल जाता है कि जो ये जांग है वो लिंगशी सेक्ट का डिसिपल है। फिर वो भी अटैक करने के लिए जाता है, तो फिर एक तरफ से शाओबोचन ने शाओचिंग को रोक रखा होता है और दूसरी तरफ वो युनशान पे हमला कर रहा होता है। ज़्यादा देर तक वो रोक नहीं पाते तो फिर युनशान ज़मीन पर गिर जाता है। युनशान ये जांग यानी कि शाओबोचन की ओर देख रहा होता है और कह रहा होता है कि तुम लिंची साइड के डिसिपल शाओबोचन हो ना, और तभी शाओबोचन युनशान को मार देता है। इधर शाओचिंग गुस्से में शाओचन से बोल रहा होता है कि तुम यहाँ से ज़िंदा बच के नहीं जा पाओगे। ये कहने के बाद उसकी आंखें गोल्डन कलर की हो जाती है, क्योंकि जो शाओचिंग होता है वो अपने अंदर एक मेडिसिन को रिफाइन कर रहा होता है ताकि वो अपने कल्टीवेशन को ब्रेक थ्रू कर सके। शाओबोचन शाओचिंग पर अटैक करता है, लेकिन उसके चारों ओर जो ऑरा होता है वो उसे बचा लेता है। इसके बाद शाओबोचन अपनी हेवन स्वॉर्ड का इस्तेमाल करता है, लेकिन हेवन स्वॉर्ड भी उसके ऑरा को ब्रेक नहीं कर पाती। अब शाओचिंग आखिरी स्टेज पर पहुँच गया होता है अपने कल्टीवेशन में ब्रेक थ्रू करने के लिए। शाओबोचन गुस्से में शाओचिंग से बोल रहा होता है कि आज तुम भी जिंदा नहीं बचोगे, और ये कहकर वो अपनी हेवन आई का इस्तेमाल करता है।
उसकी वजह से शाओशन देख पा रहा होता है कि शाओशिंग ने किस बॉडी पार्ट में वो पिल रख रखी होती है जिससे कि वो कल्टीवेशन में ब्रेक थ्रू करेगा। शाओशन अपने ऑरा का इस्तेमाल करता है और वो शाओशिंग के पास जाकर उसके स्टमक पर अपना हाथ रख लेता है। कुछ ही सेकंड बाद वो शाओशिंग से दूर चला जाता है तो फिर शाओशन के हाथ में वो पिल होती है जो कि शाओशिंग के स्टमक में होती है। इसी वजह से शाओशिंग ज़मीन पर गिर जाता है और उसकी बॉडी जलना स्टार्ट कर देती है। फिर शाओशन एक अलग ही यूनिवर्स में पहुंच जाता है और वहां पर एक एंसेस्टर होते हैं जो कि शाओशन से बोल रहे होते हैं कि तुम चाहो तो यहां पर रुक सकते हो और तुम ट्रुथ के बारे में जान सकते हो जिसे कि तुम्हें ढूंढना है। तो दोस्तों यहीं ख़त्म होता है एपिसोड 10।